Assalamu alaikum. My name is Dr. Hanan. I am a graduate of Nishtar Medical College, and in 2017 I started my residency, and for the past 6 years I am training in neurosurgery. So if you are interested in neurosurgery, there is one person that you should know who is the father of the modern neurosurgery, and that person is Harvey Cushing. It's Cushing disease, Cushing syndrome, Cushingoid features, Cushing classification for the brain tumors, Cushing ulcer tha, Cushing triad tha. Iske alawa kuch instruments bhi hume Cushing ne diye, for example Cushing ventricular कैनूला था. सो ये सारी चीज़ें ना हार्वी कुशिंग ने ड्यूरिंग अपने मेडिकल कैरियर जो है ना डिस्कवर की. सो हार्वी कुशिंग की जो बर्थ है ना वो 8 अप्रैल 1869 को ओहायो के अंदर जो है ना होती है, क्लीवलैंड में. उसके बाद जो है ना वो मास्टर्स करता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका यानी कि येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री पढ़ता है, साइंस पढ़ता है. इसके अलावा उसको मेडिसिन में भी इंटरेस्ट वहीं से पैदा होता है. बास्केटबॉल की अपनी जो टीम होती है येल यूनिवर्सिटी की, उसका कैप्टन होता है. इसके अलावा जो रोइंग होती है जिसमें आप बेसिकली एक बोर्ड पे बैठते हैं और आपने जो है ना दूसरी बोर्ड जो है ना उसके साथ कंपीट करना होता है, अच्छा खासा जो है ना इसके अंदर जान लगानी पड़ती है, वो उसने की. इसके अलावा जो है ना जब वो ग्रेजुएट हुआ तो वो ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ, पर उसने जो है ना मेडिकल कॉलेज चूज़ किया, तो फिर वो भी एक इंतहाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ना उसने ग्रेजुएट किया. उसके बाद जो हाउस जॉब या इंटर्नशिप थी वो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल से की, और उसके बाद फिर अपनी जो ट्रेनिंग उसने थी वो जॉन हॉपकिंस में की. अब जॉन हॉपकिंस चले जाते हैं तो मेरे ख्याल कि इस पूरी अर्थ में ऐसी जगह है जहाँ उससे ज़्यादा कोई प्रेस्टिजियस हो इन न्यूरोसर्जी के हवाले से कोई इंस्टीट्यूट. सो हार्वी कुशिंग का ये था कि जब वो पढ़ाई करता होता था ना तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल से देखता होता था, तो उसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता होता था, और उसकी जो एक ख़ास बात थी ना वो डिटेल नोट्स लेता था. आप सोचें कि ये 1800 की सेंचुरीज हैं, और उस टाइम वो कलर पेंसिल्स का यूज़ करता होता था कि डिफरेंट कलर से जो है ना अपने नोट्स बनाया करता था. इवन उसके सेकेंड ईयर था मेडिकल स्कूल का, तो उसने एक पेशेंट को एनेस्थीजिया दिया फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर. वो ईथर एनेस्थीजिया था, और वो पेशेंट जो था वो सर्वाइव नहीं कर सका, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट था, तो उस सोच की वजह से वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करता रहा इस डेथ के लिए. को देखना शुरू किया कि क्या वजह थी ड्यूरिंग एनेस्थीजिया, मुझे पता नहीं चला और उसकी एक्सपायरी हो गई, और मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. आहिस्ता आहिस्ता करके उसने एक और स्टूडेंट के साथ मिलकर फोर्थ ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल के अंदर ना फिर एक चार्ट बनाया. उस चार्ट के अंदर जो है ना रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, टेम्परेचर और ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड था, ताकि हम ड्यूरिंग एनेस्थीजिया जो है पेशेंट को मॉनिटर कर सकें. तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, इससे पहले इस तरह की कोई चीज़ कहीं नहीं हो रही थी. ये वाला जो रिकॉर्ड था ये इतना अच्छा था कि ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स बाद भी ना सेम रिकॉर्ड को यूज़ किया जाता था, कि जब भी किसी पेशेंट को एनेस्थीजिया दिया जाता था तो इंट्रा मॉनिटरिंग करने के लिए ना हार्वी कुशिंग का रिकॉर्ड यूज़ करते होते थे. उसके बाद जब हार्वर्ड के बाद जब वो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब स्टार्ट कर रहा था, तो जब 24 घंटे की ड्यूटी के बाद उसे पूछा जाता था कभी कि यार आपकी कैसी ड्यूटी रही हार्वी, तो वो कहता था ग्रेट 24 आवर्स ऑफ माय लाइफ. हर 24 आवर्स के बाद काम करने के बाद ना वो इंतहाई खुश होता था कि मैंने पेशेंट्स के लिए सर्व किया, मैंने पेशेंट के लिए कोई काम किया. तो वह पेशेंट आया तो हार्वी जिनके अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार ये लेग बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्वोलन है, कुछ भी हम मतलब नहीं कर सकते, तो हमने इसको लेग को काट देना यानी कि एम्पूटेट कर देना. तो हार्वी कुशिंग ने कहा नहीं सर, और इसके अंदर पस से अगर सर को ट्रेन कर देंगे और पेशेंट्स को अच्छी तरह केयर देंगे तो यह हील हो जाएगा. तो हार्वी कुशिंग की अपने जो सीनियर थे उसे तू मैम हुई, लेकिन हार्वी कुशिंग डटा रहा इस बात पे. फिर खैर उसने ट्रेन किया और उसके बाद वो पेशेंट रिकवर हुआ, तो वो उनके साथ डिस्कस करता होता था कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है और ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए. उसके बाद जो है ना अब हार्वी कुशिंग की ट्रेनिंग हुई, तो हार्वी कुशिंग जो है ना जॉन हॉपकिंस में जाता, ऑपरेशन करते वक्त इंतहाई देर लगाता होता था. वो ना चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से देखता होता था. वो देखता होता कि मैंने चीज़ को किस तरह कट करना है, मैं नीचे लेयर बाय लेयर किस तरह जाना है, फिर मैंने एक अगर मैं एक टिशू पे पहुंच गया हूँ तो मैंने उस टिशू को किस तरह हैंडल करना है. तो होता फिर ये था कि जो उसके साथ वाले जो लोग थे वो जो
मिनटों में शायद ऑपरेशन कर लेता तो हार्वी घंटे लगाता था। हार्वी कुशिंग के बारे में था कि हार्वी कुशिंग इतनी स्लो सर्जरी करता होता है कि जो पिछले वाले स्टिच होते हैं वो हील हो रहे होते हैं और अगले वाले स्टिच अभी तक लगे नहीं होते। कि जब आप ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं ना तो आप 120-130 की स्पीड पर ड्राइविंग स्टार्ट नहीं करते। जब आपने लर्निंग कर रहे होते हैं तो आपने स्लो करना होता है। नए सर्जन बन रहे हैं, नए न्यूरो सर्जन बनेंगे, उनको यही कहूँगा कि आपने हार्वी कुशिंग की तरह डिटेल्स को देखना है और बजाय इसके कि आप स्पीड लगाएं, रेस लगाएं, एक बंदा है आपके टेबल के ऊपर, डिटेल से देखें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड भी इस लिहाज से बेहतर हो जाएगी। पहले होता यह था कि जब इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाती थी तो पूरे एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनाइटिस हो जाता था। जितनी ज़्यादा आप देर करते रहेंगे ना उतनी ज़्यादा एडहीजन्स बनती रहेंगी, उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू ऑपरेट। हार्वी कुशिंग ने देखा कि अगर आप इंटेस्टाइनल परफोरेशन को एज एन एमरजेंसी डील करेंगे और अगर आप उसे क्विकली ऑपरेट कर देंगे ना तो पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो हार्वी कुशिंग ने जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है ना उसको एक एमरजेंसी प्रोसीजर डिक्लेयर किया। तो हार्वी के बॉस विलियम हालस्टेड, जब उनकी वाइफ का एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ तो उनको एमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी, तो हार्वी वो रेजिडेंट था जिसने अपनी बॉस की वाइफ के ऊपर ऑपरेट किया और वो भी सक्सेसफुली। इतना ज़्यादा ट्रस्ट था उसके बॉस को उसके ऊपर कि उसने फर्स्ट प्रोसीजर किया जो होल ऑफ द वर्ल्ड में पहली दफ़ा हुए थे। पहली दफ़ा इंटेस्टाइनल रिसेक्शन, पहली दफ़ा स्प्लीनेक्टमी, ये हार्विंग ने ड्यूरिंग अपनी सर्जिकल रेजिडेंसी किया। अब हम आ जाते हैं कि हार्वी ने न्यूरोसर्जरी के अंदर जो है ना जब क्या क्या चीज़ें करता रहा। तो हार्वी की जो न्यूरोसर्जरीज थी वो स्टार्टेड इस तरह हुई थी कि पेशेंट आया, उसको बहुत ज़्यादा फेशियल पेन थी, बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चला रहा था, तो हार्वी वो फर्स्ट पर्सन था एरियन गैंगलेक्टमी की। तो यहाँ से ना हार्वी का न्यूरोसर्जरी के अंदर जो जर्नी था ना वो स्टार्ट हुआ। सारा दिन वो न्यूरोसर्जरी के ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिजी रहता था और रात को फिर उसको जो टाइम मिलता था तो लेबॉरेटरी चला जाता था। इसी सारे प्रोसीजर्स के अंदर उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, कुशिंग डिजीज़। और कुशिंग डिजीज़ बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में स्प्रेड हो रहा होता है, तो वो फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, वहाँ से हमारे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है। तो हार्वी ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया इस चीज़ के ऊपर और इसी नाम से कुशिंग डिजीज़ जो है ना वो हार्वी के नाम पर है। हार्वी के जो ड्यूटी आवर्स थे वो 98 आवर्स थे। 98 आवर्स का मतलब ये है कि रोज़ के जो है ना आप 12 घंटों से भी बाज़ ज़्यादा काम करें और वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को काफ़ी सालों तक और दहाइयों तक ये काम करता रहा। उसके बाद एक टाइम आया कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, तो जो 1915 से 1919 के दरमियान का जो पीरियड था इसमें हार्वी कुशिंग ने और जाके फील्ड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ सेव की। जब बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रेन के अंदर शैपनल लगते थे या ब्रेन के अंदर बुलेट्स गुजर जाती थी, तो हार्वी इस चीज़ पे कि भाई वो ज़िंदगी उनकी सेव होगी या नहीं होगी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि किसी तरह मैं इनकी लाइफ सेव करूँ। और हार्वी उस ज़माने के अंदर एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करता होता था और उसके पेशेंट्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था कि उनके अंदर इन्फेक्शन रेट बहुत कम था। ब्रेन सर्जरी कर रहा होता है तो कुछ जो पोर्शन है ब्रेन के वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो हार्वी ने फिर क्लिप्स इन्वेंट किए। क्लिप्स ये होता था कि जो सी वेसल ब्लीड कर रही थी तो वहाँ आप सिल्वर क्लिप लगा देते तो वो वेसल ब्लीड करना बंद कर देती थी। इसके अलावा हार्वी ने देखा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम सरफेस के ऊपर जो वेसल्स ब्लीड कर रही होती ना हम उसे रोक सकें विदाउट डैमेजिंग द ब्रेन कॉर्टेक्स या ब्रेन सरफेस। तो हार्वी ने फिर एक फिजिसिस्ट WT Bowie उसके साथ मिलकर जो है ना इलेक्ट्रोकॉर्ट्री जो आज हम यूज़ करते हैं मोनोपोलर उसको इन्वेंट किया। मुश्किल से कोई मिसाल मिलते हैं कि किसी बंदे के प्रोफेशनल एथिक्स इतने ज़्यादा हों और कोई बंदा इतना इमोशनली स्टेबल हो सकता है। तो हार्वी का बेटा था येल के अंदर स्टडी करता था, फोन कॉल आई कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, वो वॉशअप हुआ, उसके बाद जो है ना उसने स्क्रब्स पहने और उसने आके पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेट किया। तब उसने अपनी टीम को बताया कि मेरे साथ इस तरह हुआ है, मेरे बेटे की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद पेशेंट को देख के क्या वो स्टेबल है, फिर हार्वी गया और दूसरी सिटी और वहाँ जाके उसने उसकी डेड बॉडी को रिसीव किया। 2000 पेशेंट्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर पे हार्वी ने ऑपरेट किया था। और उस ज़माने के अंदर जहाँ ब्रेन सर्जरी का मतलब यही था कि पेशेंट ने वापस नहीं आना और एक अच्छे न्यूरोसर्जन की मोर्टेलिटी होती थी 30-50%। 50% का मतलब यह है कि जो दो में से एक पेशेंट जो है ना उसने एक्सपायर हो जाना है रिगार्डलेस कि भाई क्या मतलब ब्रेन की सर्जरी हुई है। तो हार्वी कुशिंग जो है ना उसकी मोर्टेलिटी उस ज़माने के अंदर
सिर्फ 10% है क्या स्किल होगा। अगर हम अंदाज़ा लगाएं 2000 के अंदर ऑलमोस्ट 1800 ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स जो है ना वो रिकवर हुए थे। हार्वी कुशिंग जो है ना अपने रेजिडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सख्त होता था, उसके रेजिडेंट्स जो है ना उसे डरते होते थे, कांपते होते थे, लेकिन अपने पेशेंट्स के लिए वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होता होता था और वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ख्याल करता था। उसके रेजिडेंट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पेशेंट केयर में, तो हार्वी कुशिंग ने फिर जो अपने रेजिडेंट को ना एक फेमस कोट कही जो कि उसने याद कर ली। उसने कहा, नो वन हैज़ एनी राइट टू अंडरटेक द केयर ऑफ एनी पेशेंट अनलेस ही इज़ विलिंग टू गिव दैट पेशेंट ऑल ऑफ द टाइम एंड थॉट दैट इज़ नेसेसरी एंड केपेबल ऑफ। कि जो आपका सारा का सारा टाइम है और आपके सारे सारी थिंकिंग है वो सारी की सारी अपने पेशेंट केयर के ऊपर यूज़ करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप इस काबिल ही नहीं होगा आप मरीज़ का इलाज करो। आज के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है ना वो हैरान रहते हैं कि हार्वी कुशिंग जो है ना वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं था, वो एक न्यूरो सर्जन था। 1939 के अंदर ना फिर जो है ना हार्वी कुशिंग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है और हार्वी कुशिंग की डेथ हो जाती है। लेकिन उसको जाने से पहले भी ना वो एक लिटरेचर के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं। उसके एक समझ लीजिए टीचर होते हैं जो कि उसे जॉन हॉपकिंस में मिले होते हैं, विलियम ऑसलर, उसके ऊपर वो बायोग्राफी मिलते हैं तो उनको उस पर पुलिट्ज़र प्राइस मिलता है। लिटरेचर में ना बहुत एक हाईएस्ट लेवल का अवार्ड है जो कि किसी बंदे को मिल सकता है। तो ये भी इसकी एक साइड चीज़ थी कि जो हार्वी कर रहा था। फिर जब हार्वी की डेथ होती है तो हार्वी की ऑटोप्सी होती है, तो जब उसके ब्रेन की ऑटोप्सी होती है तो देखा जाता है कि उसके थर्ड वेंट्रिकल के अंदर एक कोलाइड सिस्ट था। इसके बावजूद उसके ब्रेन के अंदर एक सिस्ट है, उसने कितने लोगों का इलाज किया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।